हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको पुरानी मिट्टी को फंगस रहित और जीवाणु, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे मुक्त करना बताएंगे, ताकि हमारी मिट्टी फिर से हेल्दी हो जाए और हमारे पौधों में कोई बीमारी ना लगे। ये मेरी 3 साल पुरानी मिट्टी है। ये 5 गमलों की मिट्टी है जिसे मैंने 4-5 दिन से धूप में निकाल के फैला रखा था। ये है नीम खली, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। आप भी ऑनलाइन नीम खली मंगा सकते हैं अगर आपको अपने नज़दीकी मार्केट में नहीं मिलती है तो। ये बहुत ही अच्छे दाम पे मुझे मिली है। ये 5 किलो का पैकेट है। मिट्टी हेल्दी रहेगी तभी प्लांट्स हेल्दी होंगे। अगर मिट्टी में कोई बीमारी लग जाती है तो हम पौधों की कितनी भी देखभाल कर ले, हमारे पौधे ख़राब ही हो जाते हैं। नीम खली डालने से पौधों में फंगस नहीं लगती है। ये देखिए पूरी तरह से डीकम्पोज्ड है, काले रंग की हो गई है पूरा। ये पाउडर की फॉर्म में है। 5 गमलों की मिट्टी है इसलिए हम पूरा 1 किलो नीम खली इसमें डालेंगे। ये मेरे बड़े बड़े गमले थे, 15 इंच के गमलों की मिट्टी है। ये देखें एकदम कितनी भुरभुरी है। इसको हम पूरी मिट्टी पर बिखेर देंगे। इस तरीके से हम पूरी मिट्टी पर एक बराबर फैला करके नीम खली को फैला देंगे। नीम खली फंगस से भी बचाती है और एक तरीके से ये कंपोस्ट का भी काम करती है। ये है चूने का पाउडर। 5 गमले की मिट्टी है इसलिए हम 5 मुट्ठी इसको अपने हाथों से 5 मुट्ठी नाप करके पूरी मिट्टी पर बिखेर देंगे। 1 गमले के लिए इतना काफ़ी है। 5 गमले हैं मेरे तो हम 5 बार लेंगे इतना इतना। मिट्टी में सारी चीज़ें मिला करके कुछ दिन तक हमें छोड़ना पड़ता है, तुरंत हम उसका पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये गोबर की खाद है। ये देखिए पूरी तरह से डीकम्पोज है क्योंकि ये पूरी ब्लैक कलर की हो गई है। यही इसकी पहचान होती है कि जो पूरी तरह से डीकम्पोज गोबर खाद होती है वो ब्लैक कलर की होती है। ये धूप में पड़े पड़े थोड़ी सूख गई है। इस तरीके से इसे छोटे छोटे पार्ट में मसल के तोड़ देना है हमें, ताकि मिट्टी में एक बराबर मिल जाए। ये 5 किलो गोबर खाद है। इस तरीके से किसी टूल की सहायता से या पैन की सहायता से पूरी मिट्टी में एक बराबर हमें मिलाना है सारी चीज़ों को, चूने के पाउडर को, नीम की खली को और गोबर की खाद को। एक समान एक बराबर पूरी मिट्टी में हमें मिला देना है। बार बार पौधे उगाने से हमारी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और चूने में कैल्शियम भी होता है और ये मिट्टी की फंगस को भी ख़त्म कर देता है। एक बार चूना पाउडर डालने के बाद पूरे सीज़न हमें दोबारा कैल्शियम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है प्लांट में। ये बहुत ही सस्ता उपाय है कि अपनी मिट्टी को बहुत ही कम दाम में आप अपनी मिट्टी को हेल्दी कर लेंगे। ये बाज़ार में आसानी से मिल भी जाता है चूना पाउडर। ये वही चूना पाउडर है जिससे हम अपने घर की दीवारों में रंग रोगन का भी काम करते हैं। कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है ये पौधों के लिए। ये कुछ सूखे पत्ते हैं,
ये सागौन के पत्ते हैं, सागौन के, पीपल के, आम के, एकदम अच्छी तरीके से सूखे हुए पत्ते, जिसको हाथ से मसलिए तो इस तरह से टूट जाए पूरा। ये बहुत ही आसानी से मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है और मिट्टी में नमी को बनाए रखता है, क्योंकि पॉट गार्डनिंग में इतनी तेज़ धूप हो रही है गर्मी के दिनों में, अगर मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो प्लांट सूख जाएंगे। और ये पत्ते जो है मिट्टी में खाद का भी काम करते हैं और मिट्टी में नमी भी बनाए रखते हैं। जिनके पास कोकोपीट नहीं है वो पत्तों से ही कोकोपीट की कमी को दूर कर सकते हैं। कोशिश करिए कि बड़े पत्ते ही लीजिए आप, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। कोकोपीट मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप पूरी तरह से कोकोपीट में भी प्लांट को लगा सकते हैं, लेकिन कोकोपीट में अगर वाटरिंग का सही से ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके पौधे ख़राब भी हो जाएंगे ओवर वाटरिंग से। इसलिए कोकोपीट का कुछ हिस्सा आप मिलाइए, पूरी तरीके से कोकोपीट में ना गोर करें इसको, क्योंकि बारिश के दिनों में हमेशा भीगा रहेगा और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इन पत्तों को अच्छे से मसल के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये सब छोटे छोटे हो गए। इसे धूप में मैंने 4-5 दिन बहुत ही अच्छे से सुखाया था। इस तरीके से पैन से सारे जितने भी मिक्स किए हैं सामान मैंने इसमें, सबको अच्छे से मिला लेना है। चूना पाउडर, नीम खली, पत्ते, गोबर की खाद, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कहीं कम ज़्यादा मात्रा ना रह जाए। एक बार मिट्टी को रिचार्ज तो करना ही चाहिए, नहीं तो पौधों में अच्छी ग्रोथ नहीं रहती है। एक ही मिट्टी में पौधा बहुत सालों से लगा हुआ है तो पौधे ग्रो नहीं करते अच्छे से, इसलिए मिट्टी चेंज करते रहना चाहिए या फिर उसे रिचार्ज करते रहना चाहिए। बार बार हम नई मिट्टी तो ला नहीं सकते हैं। कोशिश करें कि इस तरीके से खाली करके गमलों को भी धूप में निकाल दें, मिट्टी को धूप में फैला दें और गमलों को भी धूप में छोड़ दें, और हो सके तो आप इन्हें धुल भी सकते हैं ताकि इसमें कोई फंगस ना रह जाए। इसे मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया है 4-5 दिन तक। अब हम मिट्टी के इस मिक्सचर को अपने गमले में डालेंगे। ये जो मार्केट में आप कपड़े की थैली लाते हैं, सामान वामान लाते हैं, तो वो कॉटन की होती है, उसको इस तरह से नीचे बिछा देने से ये रहता है कि होल में से चींटियाँ वगैरह पॉट में नहीं आती हैं, इंसेक्ट्स भी नहीं आ पाते हैं और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आसानी से निकल जाता है। इस तरह से अगर कोई मिट्टी का बड़ा पार्ट है तो उसको तोड़ते हुए सारी मिट्टी को गमलों में भर देना है हमें। ये चूना है जो हमने डाला था पाउडर, इसमें थोड़ा बहुत कुछ बड़ा पार्ट है उसको ऐसे मसल के तोड़ देंगे। याद रखिए कि बस एक बार ही चूने का प्रयोग करना है, दोबारा सॉइल में चूना नहीं डालना है। ये पूरे 1 साल तक काम करेगा और जो भी पोषक तत्व हम अपने गमले में अलग से डालेंगे उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा हमारा प्लांट और अच्छे से न्यूट्रिशन ले पाएगा। चूना बहुत ही मदद करता है पौधों को। इस तरीके से सारी सॉइल मैंने भर दी है, 4 इंच जगह छोड़ दी पानी भरने के लिए। इसी तरह 1 हफ्ते तक लगातार हम इसमें पूरे पॉट में पानी डालते रहेंगे ताकि जो चूना है उसकी गर्माहट निकल जाए और मिट्टी में अच्छे से एक्टिव हो जाए ताकि फंगस जो है वो मर जाए। बार बार पौधे उगाते रहने से मिट्टी में फंगस अपने आप आ ही जाती है, क्योंकि पौधों में तरह तरह की बीमारियाँ लगती रहती हैं और वो बीमारियाँ एक गमले से दूसरे गमले में भी पहुँचती रहती हैं। इस तरीके से पानी भर के छोड़ देना है। आप देखते होंगे कि मार्केट से जब चूना लाते हैं और पानी में डालते हैं तो वो खौलने लगता है। इस तरीके से जब हम पानी डालेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगा और सारी फंगस को मार देगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।